तो भाई मैंने आपको बहुत ही गजब चीज़ें दिखाई हैं, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग स्ट्रीट फूड दिखाया है, लेकिन आज मैं आपको कुछ अमेजिंग सी चीज़ बहुत ही बढ़िया बहुत ही ज़बरदस्त भल्ले पापड़ी की विक्की पे मोपेड पे इन्होंने स्टॉल लगाई हुई है। और ये दिल्ली में पश्चिम बिहार में घूमते हैं, तो सारी बातें इन्हीं से करते हैं, चेक करते हैं कि भाई इनकी जो ये मोपेड है ये इन्होंने नई खरीदी या बनवाई और कैसे ली। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। तो ये मोपेड का राज बताओ, मोपेड पे ही क्यों? सर साइकिल पे थक जाते थे पहले। अरे तो इस पे आराम है? इस पे आराम है। और ये एवरेज भी देती होगी, कितने की एवरेज दे देती है? वो 30-40 का एवरेज दे देती है। 30-40 का? तो आजकल पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है। महंगा हो गया सर, इसी वजह से खाते हैं। तो भैया चेक करो, सबसे पहले इनका सेटअप देखो आप। इन्होंने आगे जो है ये कंटेनर दो लगा रखे हैं, और कंटेनरों में क्या रखा हुआ है? पापड़ी। ये आगी जी पापड़ी, पापड़ी आप चेक करो कितनी सॉफ्ट है। आगी जी इनकी पापड़ी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और दूसरी तरफ क्या है? अजी वाह भाई वाह, गोल गप्पे सूजी वाले और आटे वाले भी रखते हैं? आटे वाले रखते हैं, अभी खत्म है। तो और इसमें क्या है ये बर्तन में? इसमें दही रखते हैं। अजी वाह, पन्नी में जो है बर्फ भरा हुआ है, बर्फ डली हुई है, क्योंकि पन्नी में इसलिए क्योंकि दही पतला ना हो जाए और ठंडा भी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त जुगाड़ है। ये देखो भाई, ये है इनका भल्ला। ये किस चीज का होता है? ये मूंग की दाल का है। मूंग की दाल? कुछ लोग उड़द की दाल का भी बनाते हैं। मूंग की दाल है। आप मूंग की दाल का बनाते हो? इसी का बनता है। बढ़िया, फ्राई करके फिर पानी में भिगो देते हो? हाँ, छोड़ के दही लगा। तो फिर इसमें तेल तो रह नहीं जाता होगा? बिल्कुल नहीं होता, निकल जाता पानी में। बहुत जबरदस्त। तो एक प्लेट लगाएंगे जरा? हाँ सर, आपको खिलाते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले क्या डालते हो? पहले ये डाली, ये आ गई जी इनकी पापड़ी। हाँ, अब आप चेक करो भाई। ये जी वाह, भल्ला आ गया। और कोई खाली भल्ला भल्ला मांगे? भल्ला भल्ले 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 देते हैं इसकी मांगे तो भल्ला। ये है मसाला, ये आ गया जी मसाला। ये मसाला क्या है? चाट? हाँ चाट। ओके, आप क्या डाल रहे हो? ये छोले। छोले भी रखते हो? अरे भाई यार, छोटी सी उसमें आपने सारा जुगाड़ बना रखा है। ये चटनी किस चीज की है? ये आमचूर की है। आमचूर की? सिर्फ गुड़ और आमचूर? बहुत जबरदस्त। अब आप चेक करो भाई, गाढ़ा गाढ़ा दही आ चुका है बल्लों के ऊपर, और ठंडा भी होगा एकदम। अब ऊपर से हरी चटनी। हाँ, अब ये। और ये फिर से चटनी। वाह वही वाह। कितने रुपए का ये? ये 40 रुपीज में? भाई 40 रुपीज में आप चेक करो कि कितना बढ़िया ये बना के दे रहे हैं, पूरी प्लेट सजा के दे रहे हैं। जही भाई ये रेस्टोरेंटों में 100-150 रुपए में मिलता है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया बना के दे रहे हैं। और ये इनकी मोपेट है। तो भैया आप कहाँ कहाँ घूमते हो दिल्ली में? मैं यहाँ से बिलाप अपार्टमेंट गेट पे लगाता हूँ। कहाँ पे? फिर बीटू में जाता हूँ, पश्चिम बिहार में। पश्चिम बिहार में। और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग यहाँ से 12 से 3 बजे तक की है। हाँ, फिर उधर से वापसी में मेरा 8 बजे का टाइम है। अच्छा अच्छा। भाई हमारे भल्ले पापड़ी आ चुके हैं, और कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। ये चटनी है सॉल्ट वाली, भल्ले हैं, और ये भल्ला देखो कितना सॉफ्ट है भाई, टच करते ही खुल गया एकदम बढ़िया से। सबसे पहले चटनी वटनी लेके एक बार ट्राई करते हैं। भाई बहुत ज़बरदस्त, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया होगा, लेकिन काफ़ी बढ़िया बनाया आपने, मज़ेदार है यार। 40 रुपये में मोर देन इनफ है, वर्दी है। 40 रुपये में और क्या लोगे? 40 रुपये और क्या लोगे? आप खाते रहते हो? हाँ हम तो खाते रहते हैं, अच्छे बनाते हैं। क्या खा रहे हो अभी? गोलगप्पे। ये इन्होंने गोलगप्पे बनवाए हैं वाले। ये कितने के? ये 30 रुपये। ये 30 के हैं। तो भाई अगर दिल्ली में पश्चिम बिहार में ये भैया आपको कहीं दिखें तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना, चेक कर लेना, काफ़ी बढ़िया है। मेरे से अभी रुका नहीं जा रहा है, मैं खाता जा रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। शुक्रिया।